एक किसान खेत में काम करता है। अब किसान खेत में काम करता है, उसने आलू के बीज बोए, उसने अपने खेत में मिट्टी में उसने आलू के बीज बोए। अब आलू के जब बीज बोया, जब आलू बड़े हो गए, तो वो टमाटर लेने गया आलू के खेत में। अब जरा बताओ कि उसने बोया क्या था? आलू। क्या टमाटर मिलेगा? नहीं ना, उसने आलू बोया, टमाटर नहीं मिल सकता, क्योंकि वो आलू बोया है, टमाटर नहीं बोया था। तो जो बोएगा वही ना काटेगा, जो बोओगे वही ना काटोगे। तो आपके विचार ही वस्तु हैं। आपके जैसे विचार वैसे तन, वैसे मन, वैसा धन। आप अगर कोई स्थिति में हो, मुझे नहीं पता अभी आपकी स्थिति क्या है, लेकिन मेरे दोस्त आपकी जो स्थिति है ना, इसके जिम्मेदार आप खुद हो। नो, कोई अदर व्यक्ति नहीं है। आपकी स्थिति खराब है, जिम्मेदार खुद। रिस्क लो, जिम्मेदारी लो, दूसरे पे दोष देना बंद कर दो कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अगर उसने भी ऐसा किया है तो ये आप ही के विचार की वस्तु है, क्योंकि आपने आलू बोया, टमाटर कहां से मिलेगा मेरे बच्चे? आम का पेड़ है, आम मिलेगा, उस पे संतरे कैसे फल जाएंगे? यानी आपके विचार जो है वही वस्तु में प्रकट होगा। आज प्रकट हो, कल प्रकट हो, चार दिन बाद प्रकट हो। इसके लिए मैं बहुत अच्छा लाइन बोल रहा हूं, एक लाइन बोलो तुम्हारा भविष्य ठीक हो जाएगा। एक लाइन बोलना है तुम्हें आज से, एक ही लाइन रट्टा मार लो, मैं और लास्ट में हूं, बीच में खाली स्थान, मैं हूं। क्या हूं मैं? मैं पावरफुल इंसान हूं, मैं अमीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं। आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम जीनियस, आई एम पावरफुल पर्सन। आई एम, रटते रहो, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। तो व्हेन यू रिपीट योर सेंटेंस अगेन अगेन, जब एक लाइन को बार बार एक फुल इंटेंस के साथ, अपनी ऊर्जाओं के साथ अगर बोलोगे ना, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर जोश है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन स्वस्थ है, मेरा तन स्वस्थ है, मेरी आँख स्वस्थ है, मेरा पेट स्वस्थ है, मेरा गला स्वस्थ है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। जब ये लाइन बार बार बोलोगे ना, तो आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगा। आप बीमार रहोगे ना, उठ के खड़े हो जाओगे, आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगा। आपको ये नहीं बोलना मैं बीमार हूं, बीमार पड़ जाओगे। जैसे एक व्यवहारिक ज्ञान देता हूं, मान लो तुम स्वस्थ हो, तुमको चार मित्र मिल गया, चारों मित्र ने कहा यार तुम एकदम पीले पीले से लग रहे हो, बीमार हो क्या? वही लाइन आगे निकले, दूसरा मित्र मिला, आजकल बड़े दुबले हो गए, खा पी नहीं रहे हो क्या? फिर आगे निकले, तीसरा मित्र मिला, उसने कहा कि यार क्या हो गया तेरे शरीर को, बिल्कुल एकदम दुबला लग रहा है, शरीर पे कुछ बीमारी है क्या? फिर चौथा के पास गए, उसने सेम लाइन बोला। यकीन मानो मेरे दोस्त, चार दिन अगर लगातार बोल दिया ना, तुम बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन जो सुनता है, जो देखता है, जो फील करता है, उसे स्वीकार कर लेता है, उसी को बीमारी कहते हैं। और अगर तुम्हें अंदर कोई बीमारी हो, अंदर सुबह उठो, शेर की तरह जगो और बोलो मैं स्वस्थ हूँ, प्रकृति को धन्यवाद दो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम जीनियस पर्सन, आई एम पावरफुल पर्सन, आई एम हैंडसम पर्सन। तो जो मन हो आप लगातार बोलते रहो, आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, आई एम पावरफुल, आई एम जीनियस। तो जो भी सेंटेंस हो आप अपने आप को बोलते रहो, मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम हैप्पी, आई एम जीनियस। तो इस तरह से अगर बोलते रहोगे तो आपका मन उसे स्वीकार कर लेगा, और कभी ना कभी आपका अंतर मन उसको स्वीकार करेगा, कहा भाई ये बंदा तो खुश है, ये बंदा खुश है, बंदा खुश है, तो वो आपके अंदर खुशी डालने का प्रयास करेगा। ये क्या है? विचार है, यानी आपके थॉट है। और लगातार जब हम बोलेंगे मन में, तुम कुछ कर रहे हो, बोलते रहो मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पेट ठीक है। मान लो कोई बीमारी तेरे को है, उस बीमारी को नहीं बोलना कि मेरा पेट ठीक कर दो, नहीं, आपको बोलना है मेरा पेट ठीक है, मेरा हाथ ठीक है, मेरा सर ठीक है, मेरी आंखें ठीक है, मेरा गाल ठीक है। जो भी चीज है आपके शरीर
ऐसा स्वस्थ हो जाएगा यू नेवर नो। आप बस उस चीज को बोलते रहना है, एक ही लाइन बार बार अपने मन से बोलते रहना है। यकीन मानो आपका शरीर, आपका तन, आपका मन सब स्वस्थ हो जाएगा। बस लगातार कंटिन्यूअसली उसको कंटिन्यू रखना है, बोलते रहना है आई एम हैप्पी, आई एम जीनियस। बस एक ही लाइन बोलना है मेरे दोस्त, नेगेटिव से दूर रहना है। नेगेटिव्स को दूर करो, अपने आसपास जितने भी नेगेटिव जो लोग रखे हो, जितने मित्र रखे हो, क्योंकि नेगेटिव आपके ऑरा को नेगेटिव करता है। आपका मित्र अगर नेगेटिव है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि आपका जो ऑरा है ना, आपका जो चक्र है ना, उसे नेगेटिव कर रहा है, आपके शरीर को नेगेटिव कर रहा है, आपके मस्तिष्क को नेगेटिव कर रहा है, आपके बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो क्यों उसके पीछे लगे हो। आप अपने मन से बोलो, ये दुनिया आपको अच्छा नहीं बोलने वाली, ये दुनिया से दूर है। यह नहीं कि कोई मुझे बोलेगा तुम बड़ी सुंदर लग रहे हो, कोई मुझे बोलेगा बड़े हैंडसम लग रहे हो, कोई बोलेगा स्मार्ट लग रहे हो, नहीं। आप स्मार्ट हो, आप इनविल्ड हो, आपको अंदर से बोलना, फील करना है कि मैं स्मार्ट हूं, सुबह जगो मैं स्मार्ट हूं। एक डायरी लिख लो, एक नोट पैड लिख लो कि भाई रोज सोने से पहले बोल दो आज का दिन के लिए शुक्रिया, सुबह जगो धन्यवाद ईश्वर बोलो शुक्रिया धन्यवाद, और बोलो कि मैं आज बहुत खुश रहूँगा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा, आज मैं पूरे जोश में रहूँगा, पूरे एनर्जी में रहूँगा, अंदर से एनर्जी है, सारी बीमारियाँ ठीक हो चुकी हैं मेरी। बस बोलना है, बोलने में क्या जाता है, कुछ लग रहा है, बस बोलते रहना है ना। आप बोलकर देखो, फिर मुझे कमेंट करो कि हाँ सर ये फ़ायदा होता है, मुझे बताओ। बस अंदर से नेगेटिव मत होना, अंदर से कोई भावना मत रखना, बस चलते जाना बोलते जाना। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा जगाता रहूँगा, थैंक यू वेरी मच।